नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। रायबरेली में रेप के बाद हत्या और फिर पीड़ित परिवार पर सुलह समझौता का दबाव। रायबरेली में अभी रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक एक करके रेप के मामले उजागर हो रहे हैं। गुरुवार को रेप का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आरोपियों द्वारा की गई हैवानियत को जब परिजनों ने बयां किया तो सभी दंग रह गए। यही नहीं, रेप की हैवानियत के बाद नाबालिग बच्ची को फांसी के फंदे पर आरोपियों ने लटका दिया और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो आरोप है कि ग्राम प्रधान और स्थानीय पुलिस ने मिलकर पीड़ित परिवार के साथ समझौता करने का दबाव बनाया। उस समय हुआ जब पीड़ित परिवार के साथ दर्जनों ग्रामीण गुरुवार को जिला अधिकारी कार्यालय पहुँच गए और आरोप लगाया कि गाँव के ही दो युवकों ने हम लोगों के घर में न रहने पर हमारी बेटी के साथ रात में घर में जाकर मारपीट की और उसके बाद उसके साथ बलात्कार जैसी जगह घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, यह भी कहा कि बेटी के साथ बलात्कार के बाद उसे फांसी के फंदे पर लटका कर मार दिया गया। घटना 1 दिसंबर की बताई जा रही है। परिजनों ने कहा कि 1 दिसंबर की सुबह जब स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उसके बाद मौजूदा ग्राम प्रधान और पुलिस ने पूरे मामले को दबाने के लिए पंचनामा की कार्यवाही करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले को आत्महत्या की घटना दिखाकर दबाया गया। अब आप खुद सुनिए जिला अधिकारी कार्यालय पर आए परिजन और ग्रामीणों का पूरी घटना के को लेकर क्या कहना है। ये 11 को कोई पार्टी को निमंत्रण, उन्होंने कहा उसके पत्नी निमंत्रण में चले गए थे। उसकी उम्र 15 वर्ष थी। आरोप लगा रहे थे कि जो है उसकी लड़की का रेप के बाद हत्या कर दी गई और बकायदा पंचायत बैठा के समझौता ज्ञापन करा दिया गया। क्या पूरा मामला क्या कारण? अभी एक प्रार्थना पत्र आया है, उचार थाने से संबंधित है और मैंने तुरंत क्षेत्राधिकारी डलमऊ जो अभी बाहर ड्यूटी पे हैं उनको निर्देशित किया है कि घटनास्थल पर जाकर के सच्चाई की जानकारी करें। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें आरोप लगाया कि पुलिस भी वहाँ मौके पर मौजूद थी, वो सब तथ्यों को पंचायत कराई गई, डेड बॉडी डिस्पोज कराई, इन सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी। क्या नाम है आपका? राम धनी। क्या हुआ बताओ? हम साहब घर में नहीं थे। क्या कहते, हमारी लड़की जो है घर में अकेली थी, हमारे घर में अकेली थी। एक छोटी बिटिया, उसे दो छोटी बिटिया थी, हमारे बाप बूढ़ा था। एक कहा तो हम लोग चले, उनको समझा चले गए न्योते। क्या कहते, और वहाँ से न्योते गए तो हमारे घर में चांदी नाम की लड़की थी, वो 15 साल की थी। क्या उसके साथ बलात्काम हुआ? क्या कहते, और उसके बाद फिर क्या हमारी लड़की को मारा पीटा, ऊपर से फांसी उसको लटका दिया था। और फिर एक रिपोर्ट थाने गई थी। क्या अगर हमारे कोई सुनवाई कहीं हो नहीं सक रहा था। सर, अच्छा, पुलिस जब तुम्हारे घर गई तो क्या किया वहाँ? पुलिस गई थी, कुछ हुआ नहीं था। क्या सर वहाँ क्या कराया, क्या कहा? पुलिस ने गया, कहा कहा थी पंचनामा लिखवाए। क्या कहा थी दुनिया भर कुल तहसील लिखा है, क्या कहा पंचनामा लिखवाई हम सब लोग। क्या कहा थी प्रधान ने क्या कराया? पंचनामा लिखवाए। प्रधान क्या कहें? प्रधान कहन की क्या कहा थी पंचनामा लिखो। क्या कहा थी अभी पंचनामा में उल्टा सीधा लिखा है कि फिर लास्ट चीर घर गई तो हम सब यहाँ घर आए तो हमको पूरा हाल मालूम हुआ। तो हम सब क्या कहा थी तो क्या मामले में सुलह करा रहे हैं क्या? हाँ सर, सुलह करा, लेकिन सुलह नहीं भाई। क्या कहा थी पंचायत हो रही थी क्या गाँव में? हाँ, गाँव पंचायत हो रही थी। क्या कहा थी कुछ पैसे की बात भी हुई है क्या पुलिस से? पैसे की बात हमने नहीं कोई की। लड़की की लाश कहाँ है? लड़की की लाश कोटरे में है, कोटरे में है, कोटरे बहादुरगंज दफना दिए सर।